देखिए, आप सभी जानते होंगे कि ड्रीम इलेवन पे जो फर्स्ट प्राइज़ होता है वो 1 करोड़ का होता है, और 1 करोड़ जीतना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आप जीत सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ड्रीम इलेवन के अंदर जो है आप अपना एक अच्छा टीम क्रिएट कर पाएंगे और विन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तार से बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने जो भी मैच में अपना टीम लगाया है उस टीम का, उस मैच का जो है पिच रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, प्लेयरों का स्टेटस कैसे निकालेंगे, और किस स्टेडियम में जो है ये खेल होने वाला है, और इस पिच पे कौन से खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे, और पहले बल्लेबाजी कौन करेंगे और पहले बॉलिंग कौन करेंगे। ये सारी जानकारी जब आप अच्छे से ले पाएंगे तो आप अपने ड्रीम इलेवन में एक अच्छा टीम क्रिएट करके नंबर 1 पर आने के चांस में हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे इस तरह का वीडियो जब भी कोई अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, अपने फ़ोन में पॉसिबल 11 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे लगभग फ्रेंड्स जो भी मैच शुरू होने वाली है ड्रीम इलेवन के अंदर, वो सारी मैच यहां पे आपको शो हो जाएंगी, जो स्टार्ट हुई है, जो शुरू होने वाली है, और जो कई घंटे बाद आने वाली है मैच, वो सारे मैच का यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि HURBSTHU यहाँ पे 1 घंटे 2 मिनट बाद में ये मुकाबला होने वाला है, जिसका आपको डिटेल्स निकालना है। तो आप इसका डिटेल्स लेने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे प्लेयर लिस्ट दिया हुआ है दोनों टीम का, जहाँ कि आपको यहाँ पर नंबर भी दिखाई हो रहा है 1 से लेकर 11 तक। आप इसमें खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से जो हैं प्लेयर ओपनिंग करेंगे और कौन से प्लेयर कितने नंबर पे आएंगे। अगर आपको सही डिटेल्स, सही कंफर्म जानकारी लेना है फ्रेंड्स, तो आप ड्रीम इलेवन पर जब टीम लगा लिए हैं तो उस टीम का जब लाइनअप होगा, उस मैच का जब लाइनअप होगा, तो लाइनअप के बाद आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आएँगे और इसको ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म प्लेयर शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो नहीं खेलेंगे वो यहाँ इस लिस्ट में नहीं मिलेंगे आपको, और जो प्लेयर खेलेंगे वही आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 नंबर पे कौन आएगा और 2 नंबर पे कौन आएगा। यहाँ पे दोनों प्लेयर, दोनों टीम का यहाँ पे प्लेयर लिस्ट दिया हुआ है। इसके बाद में फ्रेंड्स, आप ओपनर बॉलर कैसे जानेंगे, तो ओपनर बॉलर यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर HUR के प्लेयर लिस्ट में जो है DShot एक ऑलराउंडर है, तो ये ऑलराउंडर है, ये बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट बारी इनका है बॉलिंग करने का, यानी कि ओपनिंग बॉलर में यही है। इसके बाद में आएंगे TDavid। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, ये पूरा कंफर्म है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप जो भी देखेंगे वो आपको कंफर्म जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से आप जो फर्स्ट नंबर पर दिए गए हैं प्लेयर, वो ओपनिंग करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे, और जो यहाँ पर 4 नंबर पे दिया गया है DShot ऑलराउंडर में, तो यानी ये 4 नंबर पे आएंगे बैटिंग करने, और जो है फर्स्ट नंबर पे ये आएंगे बॉलिंग करने, क्योंकि 4 के बाद में है कोई यहाँ पे बॉलर, तो ये आएंगे फर्स्ट में बॉलिंग करने और फर्स्ट 4 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, और फर्स्ट नंबर पे जो भी प्लेयर दिए गए हैं वो बैटिंग करने आएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। अब इसके रिगार्डिंग हम इसको स्क्रॉल करेंगे और कुछ जानकारी लेने के लिए। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे फैंटेस्टिक टिप्स आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से खिलाड़ी जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन विकेट कीपर बोथ आर गुड, यानी कि जो मैथ्यू गिलक्रिस्ट हैं, इसने जो विकेट कीपर हैं ये, और ये पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे नंबरिंग देख सकते हैं कौन से खिलाड़ी जो है फील्ड पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे स्मॉल लेगा और ग्रैंड लेगा टीम को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे की प्लेयर फ्रॉम HUR का यहाँ पे की प्लेयर दिखाया गया है, तो
की प्लेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, की प्लेयर का मतलब यही होता है कि इसमें जो की प्लेयर में जो भी टीम यहाँ जो भी प्लेयर को लगाया गया है, ये प्लेयर जो है 100% इनका चांस होता है इस मैच में भाग लेने का, इसलिए इनको की प्लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 सेवन प्लेयर जो है ये हमेशा की तरह इस मैच में भी खेलेंगे, इन पे लगभग 90% चांस है कि ये खेलेंगे ही खेलेंगे। तो दोनों प्लेयर का लिस्ट यहाँ पे की प्लेयर में दिया हुआ है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मर यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मर फॉर एच यू आर का जो बेस्ट खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया गया है। आप यहाँ से देख करके खिलाड़ी को अंदाज़ा लगाएंगे और अपने टीम में इनको भाग देंगे। उसी तरह से यहाँ पे TACU का भी प्लेयर यहाँ पे बेस्ट प्लेयर को यहाँ पे शो कर दिया गया है, आप यहाँ से इनको भी देख सकते हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, पिछले मैच में किनको कैप्टन बनाया गया था जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं, वो उनका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप इस मैच में भी इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट मिल जाएगा, वैल्यू एंड पिच रिपोर्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं डेट कि किस डेट में ये मैच शुरू होने वाला है। मैच का वैल्यू आप यहां पे देख सकते हैं, यानी स्टेडियम देख सकते हैं कि किस स्टेडियम में ये खेल होने वाला है। तो यहां पे अरोरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में जो है, इसी स्टेडियम में ये खेल होने वाला है। पिच रिपोर्ट आपको यहां पे मिल जाएगा। तो पिच रिपोर्ट देखने के लिए फ्रेंड्स यहां पे आप जब लाइनअप के बाद आएंगे तो आपको यहीं पर शो हो जाएगा कि बॉलिंग पिच कैसा जाएगा और बैटिंग पिच कैसा जाएगा और ऑलराउंडर का पिच जो है वो कैसा जाएगा, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। वेदर रिपोर्ट, आप मौसम को जानकारी यहां पे ले सकते हैं कि आज मौसम कैसे रहने वाली है, फील्ड पे क्या क्या होगी, वो सारी जानकारी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप अपने टीम की जानकारी लेकर के एक अच्छा टीम क्रिएट कर पाएंगे और अपने ड्रीम 11 में नंबर 1 पे आने के चांस में हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और मन में कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।